Today's topic is health tips, abbreviations. What is health? According to WHO, World Health Organization, 1948 slogan, health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. If you have got good health, all the happiness springs out of your life. Health is wealth. There is no match for health. Today on the board I have pasted 12 different abbreviations. Except for these two, others I have personally prepared. First general health tip abbreviation is PPPPP. It's a pentap. P for proper diet. Diet is very important. Whenever we take any food or drink, either we are feeding disease or fighting disease. Our health depends on our food. So proper food is required. That must contain a lot of vegetables and fruits. Second P is precaution. Prevention is better than cure. Precautions, cleanliness, purity of food, precautions in daily life, and then there is a practice. Practice means exercise, physical exercise. Physical exercise is very important. Physical exercise increases the level of a hormone, endorphin. Endorphin is analgesic. Analgesic means it's a painkiller and also creates a sense of well-being. आपको याद होगा शफीक और मान ने अपनी किताबों में मशवरा दिया हुआ है कि अगर नाकाम हो जाए तो इतनी बैठकें लगाएं, अगर मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो इतने मील दौड़ें, इस तरह का कि उसने फार्मूले बताए. वो सारे फार्मूले किस पर डिपेंड कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करें. जब भी आप देखें कि आप परेशान हैं, आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें. वॉक इज द लाइट एक्सरसाइज. हर आदमी जो कर सकते. प्रेयर, प्रेयर करेंगे तो दिलों को सुकून मिलेगा. देन प्ले गेम्स फॉर हैप्पीनेस. प्ले डजंट मीन कि आप कोई आउटडोर, इनडोर वैसे बैठ के खेलें ताकि अब माइंड जो है वो आपका रिलैक्स हो. सेकंड वन इज WWWWW. वॉक रेगुलरली. Weight loss, the world is facing the problem of weight. A large number of teenagers are bulky in America. In Pakistan, you can see most people are overweight. Even myself, I have a tummy and I am fighting for it. I have got a weight problem. Weight opens the way for diseases. Worry less. Worry. Lot of worries in your life. Bada famous idiom hai. Cat has 9 lives. Iska matlab ye hai ki billi ki 9 zindagi hoti hai. Yani billi ko marna bahut mushkil hai. Thoda sa aage cat ke bare mein padhe to cat ke bare mein ek aur idiom hai. Care killed a cat. Ki parshani ne billi ko mar diya. Wo billi jiski 9 zindagiyan thi. Parshani ne usko mar diya. So try to be very less. Wrath never. Society में जगह जगह पर traffic बंद हो जाती है, दुकानदार सही पैसे नहीं देता, गुस्सा चढ़ता. Wrath means गुस्सा. Wrath never. गुस्सा ना करें. किसी ने पूछा भाई पुरसकून रहने का फार्मूला बताए, तो आपने फरमाया कि सुकून से राख, गुस्सा ना किया. ये उसका मफहूम है.
वेक अर्ली, पुराना फार्मूला है, ठीक है, कि राइज अर्ली मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ठीक है, कि सुबह सुबह जल्दी उठो, अच्छा ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होती है, माहौल बड़ा सूदिंग होता है. थर्ड वन इज चे. दिस इज अ स्पेशल फार्मूला फॉर डायबिटिक पेशेंट्स एंड ब्लड प्रेशर पेशेंट्स. पांच चे हैं, इनसे जान छुड़ा. चे से चावल, चे से चीनी, चे से चिकनाई, चे से चुपाया. चुपाया मीन रेड मीट, मटन एंड बीफ. चिड़चिड़ाहट, चे से चिड़चिड़ाहट, टेंशन. ये पांच चेयों से बचें तो डायबिटीज आपकी कंट्रोल, हाइपरटेंशन आपका कंट्रोल. पंजाबी में कह सकते हैं चेवा घटाओ हयाती बधाओ. चेवा घटाओ हयाती बधाओ. देन द फोर्थ इज TT4 TT. मेडिसिन में एक फार्मूला है, 2 and 2 is not 4, it is 22. तो दो और दो चार नहीं होते, बल्कि दो और दो चार नहीं होते, बल्कि दो और दो 22 होते हैं. क्या मतलब? कि अगर दो हिस्से बीमारी है और दो हिस्से आप परेशान हुए तो बीमारी बढ़ के चार नहीं हो जाएगी, बल्कि बीमारी बढ़ के 22 हो जाएगी. यानी 11 टाइम आपकी बीमारी जो है आपकी एंजाइटी और टेंशन की वजह से इंक्रीज हो जाए. ए सैड सोल कैन किल यू फास्टर देन ए जर्म, किसी बड़े ने कहा. सैड सोल जर्म से ज्यादा आपको मार देती. केयर किल्ड ए कैट, वो भी बात यहीं पे साबित होती. एंड ए मेरी हार्ट डस्ट गुड डू गुड लाइक ए मेडिसिन, और दिल खुश हो तो ये दवाई का काम कर. एक डॉक्टर साहब इसी तरह टीवी पे आए हुए थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा क्या आपने सबक सीखा है. प्रोग्राम गालिबन वो मजाक रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने देखा है कि तीन तरह के पेशेंट्स होते हैं. एक वो जिनको यकीन होता है कि वो ठीक हो जाएंगे और वो जल्दी से ठीक हो जाते हैं. एक वो जिनको उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएंगे, वो थोड़ी देर तक ठीक हो जाएंगे. एक वो पेशेंट्स हैं जिनको ना उम्मीद ही होती कि वो ठीक नहीं होंगे और वो कभी ठीक नहीं होते. मेरे बनोई के भाई हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने एक दफा वाक्य सुनाया कि एक आदमी उनके पास आया, उसके पांव पे किसी ने काटा था किसी चीज ने. वो देखा तो उंगलियां उसकी गली पड़ी, नीली हुई, ये हुई, ऊपर बैंडेजेस करते रहे, वो पांव उसका गलता गया. फाइनली उन्होंने कहा कि ये तुम हॉस्पिटल जाओ. हॉस्पिटल गए तो उन्होंने कहा जी पाँव जो है उंगलियां काटनी पड़ेगी. वो फिर वापस आया, वो कहते डॉक्टर कहने लगे पैर काट दे, मैं तो कोई नहीं कटाना. उन्होंने कहा ये तुम्हारी जान का खतरा है. उन्होंने कहा जी ठीक है, वो बोलता बुलाता था. वो कहते हैं 2 महीने गुजरे हैं तो मेरे क्लिनिक में एक बंदा आया, तो मैं उस शक्ल से उसको थोड़ा सा पहचान लिया. तो वो पर्ची लेने के बजाय सीधा मेरे अंदर ही कमरे में आ गए. आगे तो बेस के ऊपर पाँव रख, कहना डॉक्टर साहब वही पैर है ना जिन्होंने कैंसर से वट दो, देखो ठीक हो गया. तो कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, पूछा कौन सी दवाई ली. तो उसने बताया कि ये मैंने दवाइयाँ ली, और वो कहते बिल्कुल ऑर्डिनरी एंटीसेप्टिक थी. वो अपनी विल पावर से, व्हेन यू थिंक यू आर वेल यू विल बिकम वेल. तो ये मेडिसिन के अंदर जो परेशान हो जाना होता है, तो ये 2 and 2 is not 4, 2 and 2 is 22. This is anxiety, and most of the people are suffering from this. आजकल हम अपनी बीमारी को बहुत enhance कर रहे हैं. Next one is C. Control constipation and cure sense of curses. Constipation, कब्ज को control करें और 100 curses यानी 100 बीमारियों से बचें. ये वही है कि जिसको कहते हैं कि कब्ज 100 बीमारियों की माँ है. हम खाना खाते हैं मुंह से, यहाँ से ईसोफेगस 9 इंच लंबा आ गया, हमारा स्टामक आ गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन 21 फुट लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके ड्यूडिनम, जिजिनम, इलियम, फिर आगे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को 7 फुट के करीब वो है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन, रेक्टम और एनस.
दिस इज अ 30 feet लॉन्ग एलिमेंट्री कनाल, ये 30 feet का यहां से नाली सी गुजर रही है। तो इसमें जब स्टॉपेज यहां पे लोअर पार्ट पे हो जाती है तो सारी बॉडी का सिस्टम, तो कॉन्स्टिपेशन जो है इज मदर ऑफ इट। सो कंट्रोल कॉन्स्टिपेशन एंड क्योर्स सेंस ऑफ कर्सेस। नेक्स्ट वन इज फॉर द यंगर्स मम्मी डैडी जनरेशन, जे 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 जर्क जंक फूड एंड जिगल जिंगल जुवेनाइल, जर्क जंक फूड एंड जिगल जिंगल जुवेनाइल, कि जर्क करें यानी जर्क परे फेंके जंक फूड को, ये जो प्रोसेस फूड चिकना बा ऐसे चीजें जो वो ले लेके खाते हैं, बर्गर और ये टॉफियां और वो पता नहीं क्या कुछ चीजें होती हैं, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। जिगल यानी फिरे फिर फुतकते रहे, जिंगल छन छन करते हुए जुवेनाइल नौजवानों के, क्योंकि हेल्दी फूड जब होगा, मदर कुक्ड फूड होगा, होम फूड कुक्ड फूड होगा तो वो बेटर है, वो आपकी बॉडी के लिए गुड है। आप बॉडी गुड है तो आपकी एक्टिविटी गुड है, तो सो इस जंक फूड से बचे। देन एच 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 फॉर हैप्पीनेस, हैप्पीनेस पेव्स द वे फॉर गुड हेल्थ। होप, होप इज एवरीथिंग। हम हमद जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र दिलों को सुकून पहुंचाता है। हनी शफा है जिसके अंदर, हार्वेस्ट हेल्थ, हैप्पीनेस होप हमन हनी हार्वेस्ट हेल्थ, ये चीजें कास्ट करती हैं किसको, हेल्थ। ये बड़ा गोल्डन फार्मूला है, इसको करें और इसको तब होगा जब आप मैं की जगह हम लाएंगे। किसी ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है कि रिप्लेस आई विद वी, वो कहता है आई की जगह वी में करें, मैं की जगह हम की बात करें। कहता है इलनेस जो है वेलनेस बन जाएगी, सारा प्रॉब्लम ही आई का है। हमारी मोस्ट वरीज की वजह क्या होती है कि जब हम अब किसी बंदे के साथ अपना मैं का मुकाबला करें कि उसका रंग मेरे से ज्यादा सफेद है, उसकी गाड़ी मेरे से अच्छी है, उसका इलम मेरे से ज्यादा है, उसका मकान मेरे, जब हम कंपेयर करते हैं मैं और तुम के चक्कर में पड़ते हैं, जब हम कहेंगे यार हम, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वासिफ अली वासिफ 3 किताबें हैं, शानदार किताबें, बार बार पढ़ने वाली। एक किताब में उसने लिखा है कि हमारी दुआएं जो हैं वो बिलमूम इज्तमाई होते हैं। कैसे, हम पर रहम फरमा, हमें सीधी रास्ते पे देखो, हमें गुनाहों से बचा। अल्लाह ताला हम के पीछे ज्यादा लोगों के पीछे ज्यादा लोगों की खैर मांगते हैं, कसीर की खैर मांगते। तो यही वजह है कि हम जब आप शुरू करते हैं, आप तरक्की याफ्ता मुल्कों को देख लें, वहां मैं का चक्कर ही कोई नहीं। वहां कहते हैं हमारा हमारी प्रोग्रेस, हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये हमारे मुल्कों में ही है जो हम ज्यादातर अपनी मैं को करते हैं। और मैं तो सिर्फ भी आपको पता है सैटर्न की है इंसानों के, जिसमें खुद मैं आ जाती है। तो वही में कन्वर्ट करें, हम के अंदर कन्वर्ट करें, ये हैप्पीनेस का बहुत ही जबरदस्त एक टूल है कि कलेक्टिवली हम यारा जन्नत हम यारा दोस्त, ये वाला फार्मूला अपनाए तो जिंदगी में सुख हो। देन देयर इज एस 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 एस। इससे पहले मैं एक सवाल पहले चले ही बताता हूं, शॉर्टन सॉल्ट शुगर सॉसेस बट नॉट सैलेड, कि कम कर दें किसको, साल्ट को, शुगर को, ये चटनियां जो है मिर्चों वाली इन सब, लेकिन सैलड को कम नहीं करें। मुझे बताएं दुनिया में सबसे ज्यादा साल्ट इस्तेमाल करने वाला कौन सा मुल्क है, पाकिस्तान। पाकिस्तान
5 किलोग्राम हर आदमी हर साल नमक खाता है, NaCl सॉल्ट। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी इस्तेमाल करने वाला कौन सा मुल्क? पाकिस्तान। 25 किलोग्राम पर पर्सन पर एनम हम चीनी इस्तेमाल करते हैं। साथ से ये रेड चिल्ली जो है और पीपर जो है, चिल्लीज जो है, दुनिया में सबसे ज्यादा पीपर कौन सा मुल्क इस्तेमाल करता है? पाकिस्तान। 10 किलोग्राम पर पर्सन पर, हम इन तीनों चीजों में दुनिया में नंबर वन है। तो इसलिए इसको रिड्यूस करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्ट ये ब्लड प्रेशर करता है, शुगर रिफाइंड जो है ब्लड प्रेशर डायबिटीज करती है, सॉसेज जो है, चिल्लीज जो है, ये जब ज्यादा होती है ये स्टामक को डिस्टर्ब करती है, एसिडिटी होती है और प्रॉब्लम क्रिएट्स होते हैं। तो इसकी जगह पे सैलड को हैबिट बनाए, सैलड इज गुड, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर योर फ्रेंड्स। हेल्थ, हेल्थ से क्या बनता है? हाई एनर्जी एंड एक्टिविटी ऑफ लिम्स, थॉट्स एंड हार्ट। कि जब लिम्स से मुराद है जिस्मानी तौर, बॉडी, थॉट से मुराद है ज़ेनी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लिम्स से मुराद है बॉडी हेल्थ, हार्ट से मुराद है हमारी जो इमोशनल हेल्थ। इमोशनली भी बंदे को सेहतमंद होना चाहिए, एकदम गुस्सा, एकदम बखील हो जाना, कंजूस हो जाना, ये सारी चीजें हेल्थ के अंदर शामिल होती हैं। और स्टार्ट पे मैंने WHO की 1948 की कोटेशन भी इसी हवाले से दी थी, उसी हिसाब से ये एब्रीवेशन भी बनता है कि ये तीनों चीजें आपकी जो है आप हेल्थ में शामिल रखें, ये तीनों चीजों की हेल्थ हो। आगे ये मेरा नहीं है मैंने, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने रख लिया। ईट लेस क्रैब, क्रैब का मतलब होता है फजूल सी बेकार सी चीज, यानी सी है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये जितने भी ड्रिंक कार्बोनेटेड आते हैं बाजारों में बिक रहे हैं आजकल तो 65 रुपए का भी बिक रहे हैं। रिफाइंड शुगर, शुगर ब्राउन होती है उसमें से क्रोमियम निकाल देते हैं और मिनरल्स निकाल लेते हैं। ये क्रोमियम, खालिद जहूर मेरा एक दोस्त था, उसने इस पर रिसर्च की थी कि ये जो क्रोमियम निकलती है ये डायबिटीज को कंट्रोल करती है, हमारे जो पैंक्रियाज हैं उसमें आइसोलेट ऑफ लैंगरहैम्स होते हैं उनको एक्टिवेट करती है। तो ये क्रोमियम अगर बीच में से ना निकाली जाए तो वो नुकसान दे रही है। ब्राउन शुगर, गुड़ खाएं, वो शक्कर खाएं, उससे प्रॉब्लम नहीं होगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर कलर, सारी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर कलर्स का एक मियार है कि ऑर्गेनिक होने चाहिए और रिकमेंडेड होने चाहिए फूड एंड ड्रग की तरह। हमारे यहां मैंने कई दफा देखा बाजार वाले रंग उठा उठा के लोग डाले जाते हैं। तो आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं और जो कलर्स हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर सैकरीन है और भी एक सैकरीन से भी ज्यादा, सैकरीन को 550 times मोर स्वीटर देन शुगर है, एक और भी है जो 2000 गुना है, लेकिन मेरा जेन से उसका नाम उतर गया। और प्रोसेस्ड फूड, डॉक्टर कहते हैं कि वो गजा लें जिसमें इंसानी हाथ कम से कम पड़ा हो, जितना प्रोसेस होगा उतना वो फूड नुकसान देगा। तो कहते हैं ये चीजें लेस इस्तेमाल करें, कौन से, एंड ईट मोर फूड, कौन कौन से इस्तेमाल करें, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक लीन प्रोटीन्स, प्रोटीन्स लें, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंड ड्रिंक वाटर, मैं लिखना भूल गया, एक डी है ड्रिंक वाटर। पानी हमें कम पीने की आदत है, पानी ज्यादा मकदार में पीना चाहिए ताकि पानी तुम आपकी जो बॉडीज की गैर जरूरी चीजें हैं वो सारी निकाल के बाहर, किडनी जो है अल्लाह ताला ने कैसा निज़ाम दिया हुआ है वो सारा गंद वंद निकाल के बाहर फेंक देती। और ड्रिंक वाटर में लिखना भूल गया था, आपने लिखा दी। तो ये लेस क्रैब को लेस इस्तेमाल करें और फूड को ज्यादा इस्तेमाल करें। और आखिर पे है हमारे पास आप, ये बड़ा लंबा चौड़ा है और बहुत पुराना है, बुकरात ने ये फार्मूला दिया था कि एक्वा बिफोर मील इज लाइक एरम, एक्वा बिफोर बिटवीन मील इज अर्जेंटम लाइक सिल्वर,
एक्वा बिहाइंड मी इज पलम्बम, यानी पानी जो और खुराक का जो तल्लक है खाने का, अगर खाना खाने से पहले पानी पिए तो ये सोना है, एरम, सो गोल्ड को लैटिन लैटिन के अंदर एरम कहते हैं। दरमियान में इस्तेमाल करें पानी तो ये अर्जेंटम है, अर्जेंटम सिल्वर का लातिनी नाम, और खाने के बाद इस्तेमाल करें तो प्लम्बम है, प्लम्बस यानी लेड है, सीसा है, ठीक है। और इसको ये भी कहते हैं कि बुजुर्ग ये कहते हैं कि पानी खाने से पहले पीना, पहले शिफा विच दवा अखीर पे बवा, कि खाने से पहले पानी पीना जो है ये शिफा है, दरमियान में पानी पीना जो है ये दवा है, और बाद में पानी पीना वबा है यानी बीमारी है। और पानी के मामले में हमेशा ये चीज़ ये देखनी बड़ी ज़रूरी है कि WHO के मुताबिक 40% जो डिजीज़ हैं वो पोल्यूटेड वाटर की वजह से, तो इसलिए जब भी पानी इस्तेमाल करें बॉयल्ड पानी यूज़ करें, और ज़्यादा मकदार में करें, कम अज़ कम 10-12 गिलास डेली जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। So these are the 12 different abbreviations which contains health tips for your good health. What is health? Health individual satah pe hoti hai, physical health, mental health and spiritual health. Uske baad ye society mein jaati hai. पर सोशल हेल्थ, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिकल हेल्थ है, इकोनॉमिक जस्टिस हो, पॉलिटिकल हेल्थ है कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में जस्टिस हो, उसके बाद ये एंटर होती है सोसाइटी के अंदर, जब ये इंडिविजुअल लेवल पे आज पे हासिल हो जाए और फिर उसके बाद सोसाइटी के 3 लेवल पे हासिल हो जाए तो फिर एक हेल्दी सोसाइटी बन जाए, और सफर उसका इंसान की अपनी सेहत से ही शुरू होता है। अल्लाह ताला आप सबको सेहत दे, हमें भी दुआओं में याद रखें। थैंक यू।